तो दोस्तों आज हम आपको उन चंद चीज़ों के मुतालिक बताने वाले हैं, उन फैक्ट्स के मुतालिक बताने वाले हैं जिनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, इनसे काम भी करते हैं, लेकिन आपको इनके वजूद की असल हकीकत के बारे में नहीं पता कि इनका स्पेसिफिक रीज़न क्या है। तो चलिए दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों आपने अक्सर अपने घर में खाना बनाने वाले बर्तन तो देखे होंगे, आपने फ्राई पैन वगैरह में देखा होगा कि जो इसकी पकड़ने वाली साइड होती है उसमें अक्सर एक सुराख होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये सुराख या तो फैशन के तौर पर है या तो इसे किसी जगह पर लटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों जब हम इसमें खाना कुक करते हुए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं तो चम्मच पर खाने के ज़रात लग जाते हैं, और जब चम्मच को किसी अलहदा जगह पर रखेंगे तो वो जगह गंदी होगी। जब हम खाना पकाते वक्त फारग होते हैं, किसी और एक्टिविटी में मशगूल होते हैं, तो हम चम्मच को इस सुराख में अटका सकते हैं पीछे की जानिब से, जिससे ना तो कोई सरफेस गंदी होगी और ना ही इस पर कोई जरा सीम वगैरह लगेंगे। दोस्तों आपने अक्सर अपने घर में लॉक वगैरह का इस्तेमाल तो किया होगा, और आप अगर इसे गौर से देखें तो इसके नीचे की जानब एक छोटा सा सुराख होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सुराख वगैरह इसे रिपेयर करने के लिए या मैनुअली खोलने के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सुराख का मकसद ये है कि जब इस पर कोई लिक्विड वगैरह गिरे या बारिश का पानी आए तो वो बारिश का पानी ऊपर से नीचे की जानब इस सुराख से खारिज हो जाए, जिससे लॉक के अंदर की मशीनरी को जंग ना लगे, जिससे ये लॉक जैम वगैरह भी नहीं होगा। दोस्तों आपने अक्सर अपने घर में सिंक वगैरह या बेसन वगैरह तो इस्तेमाल किया होगा, और आप सोचते भी होंगे कि इस सिंक या बेसन के टब में एक सुराख क्यों होता है। तो दोस्तों फर्ज कीजिए कि आप इस सिंक वगैरह में अपने बर्तन धो रहे थे और आप इसका नल बंद करना भूल गए हों, तो इस तरह की सूरत हाल में जब इसमें पानी भरना शुरू होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस होल की जानब से सीवरेज की तरफ से निकल जाएगा, जिससे आपके घर में ये पानी बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, क्योंकि इस होल का डायरेक्ट कनेक्शन सीवरेज के साथ होता है। दोस्तों आपने अक्सर अपनी जैकेट्स या वेस्ट कोट्स वगैरह पर फ्रंट साइड पर एक पॉकेट को नोटिस किया होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पॉकेट बतौर एक फैशन इस्तेमाल होती है, बेशक ये 20th सेंचुरीज का एक फैशन है, लेकिन 90s के लोग इस पॉकेट को एक खास मकसद यानी कि टिकट्स वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक्त में लोगों के पास सोशल मीडिया वगैरह की सहूलत मौजूद नहीं होती थी, तो लोग अपने इंटरटेनमेंट के तौर पर हॉर्स राइडिंग वगैरह को इंजॉय करते थे या फिर सिनेमा घर को, तो उनकी टिकट्स के लिए इजी एक्सेस के तौर पर इस पॉकेट को इस्तेमाल किया जाता था।